जन सरोकार मंच के मित्रों को नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक एक छोटी सी जगह पर होते हुए भी पूरे भारत को ऐसा लगता है कि आपस में जोड़ रखा है। इनके कार्यक्रम में देखता रहा हूं और कई प्रतिबद्ध साथियों को, साहित्यकारों को यहां पर जगह मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद आजम भगत सिंह भारत के स्वाधीनता संग्राम के एक बड़े योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि वो एक जो भारत में जो प्रारंभिक समाजवादी विचारधारा थी उसके भी एक अग्रणी विचार कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लगा दिया गया था और इतनी कम आयु में आप सोच सकते हैं कि आदमी कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मगर ऐसा लगता है कि कुछ मेधाएं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं, तो सरदार भगत सिंह उनमें से एक थे। और ये भी हम जानते हैं कि जब उन्हें फांसी के लिए उनकी कोठरी से उन्हें ले जाने के लिए आए तब उन्होंने कहा था कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और उनके हाथ में सोवियत संघ के नेता, क्रांतिकारी नेता, दुनिया के मजदूरों, किसानों के बड़े नेता लेनिन की जीवनी थी। तो ऐसे थे सरदार भगत सिंह। तो आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हैं। सरदार भगत सिंह का एक बड़ा सपना था कि एक ऐसा देश हमें मिले, आज़ाद देश मिले, जहाँ पर बराबरी हो, सबको समान हक मिले अपने अपने। तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, मैं अपने बारे में इतना ही बता दूं कि मैं हिंदी और सिंधी दोनों भाषाओं में लिखता हूं। सिंधी मेरी मातृभाषा है और हिंदी से तो शुरू से ही हमारा जुड़ा रहा है। हमारी अपनी भाषाएं, राष्ट्र की भाषाएं हैं। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की और इनकम टैक्स विभाग से मैंने अपनी शुरुआत की। और बाद में मैं, जब मेरा चयन हो गया UPSC के माध्यम से, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो और बाद में दूरदर्शन में भी रहा और अब मैं अंततः मैं केंद्र निदेशक आकाशवाणी जयपुर पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैंने हिंदी, राजनीति विज्ञान और पत्रकारिता में मास्टर्स डिग्री ली। मेरे कुल 5 कविता संग्रह निकले हैं, जिसमें से 3 हिंदी में हैं और 2 सिंधी में। तो ये रहा मेरा छोटा सा परिचय। मित्रों, कविता के बारे में एक पोलिश की एक बहुत बड़ी कवित्री रही है, बिस्लाव सिम्बोस्का। हम सब, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। बड़ी विचारक रही, उनकी कविताएं बहुत विश्वविख्यात रही और जो भी साहित्य का गहरा अध्ययन करता है उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो उन्होंने कहा था, उनका एक वाक्य था जो बहुत ही उद्धृत किया जाता है कि मैं नहीं जानती। उसका मतलब ये था कि हमारा ज्ञान कितना अधूरा है और जब तक हम ज्ञान पाने की जिज्ञासा प्रवृत्ति हमारे बीच में रहेगी तब तक हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम वहीं ठहर जाते हैं, हम अगर इस भ्रम में रहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तो इस दुनिया को जानने के लिए बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ पढ़ना जरूरी होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी ज्ञान जो नए सवालों की ओर लेकर नहीं जाता जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम लगातार अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ज्ञान अर्जित करते रहे। तो मैं शुरू करूं अपनी कविताएं और आप कुछ बीच में जो सुनना चाहें तो, या कुछ जानना चाहें मेरे बारे में, मेरी रचनाओं के बारे में, तो आप मेरे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दें। तो मैं अपनी, सबसे पहले अपनी
जो कविता की जो जो एक परंपरागत सवाल उठता है कि आपकी क्या क्रिया प्रक्रिया है, तो उस पर एक छोटी सी कविता है मेरी, उससे मैं प्रारंभ करता हूं अपनी बात। सृजन, खुली खिड़की से देखते हुए दुनिया, सुनते हुए उसका शोर, लिखता हूं मैं कविता। खुली खिड़की से देखते हुए दुनिया, सुनते हुए उसका शोर, लिखता हूं मैं कविता। मुझे नहीं पसंद इन सब से अलग थलग अपने एकांत में विचरूं, कटकर इनसे बसा लूं अपना कोई अलग द्वीप, कटकर इनसे बसा लूं अपना कोई अलग द्वीप, जिसमें रहूं सिर्फ मैं और मेरी ऐशनाएं। नहीं नहीं संभव नहीं, जनसंघ के बगैर निभा मेरा, जनसंघ के बगैर निभा मेरा। तो मुझे लगता है मैं ही नहीं, सभी कवि लेखक जनता से जुड़े होते हैं, और जो भी प्रगतिशील चेतना का कवि होगा वो तो जो लिखता है, जो सोचता है और जिनके बारे में लिखता है, वो उसके आसपास की दुनिया होती है। ये आसपास की दुनिया सिर्फ भौगोलिक अर्थ में आसपास की दुनिया नहीं होती, उसके विचारों से जुड़ती हुई, क्योंकि सारी दुनिया एक प्रकार से कवि के लिए, एक रचनाकार के लिए अपनी होती है। तो उस अर्थ में मैं अपनी कविताओं की जो ईंधन पाता हूँ, तो आम लोगों के बीच में आसपास यहीं से मैं पाता रहा हूँ। विचारों से मैं समाजवाद की तरफ झुका हुआ हूँ, और मुझे लगता है हर लेखक उससे जुड़ा ही रहता है, और ये कहने की सचमुच कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैं अपनी कुछ कविताएं शुरू करता हूँ, और मैंने जब अपनी बात कही कि एक लेखक के लिए जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है, और वो जिज्ञासा कहाँ से आती है, वो आती है बच्चों से। तो मैं, जो मेरा पहला कविता संग्रह था पिता बोले थे, उसकी एक कविता आपको सुनाता हूँ, वो बच्चों की ही है, और अपनी जो पुराने जो संग्रह है मेरे, उनमें से एक आध कविता आपको सुनाऊंगा, बाकी कुछ बाकी कविता आपको दूसरी जो अपनी नई नई कविता है वो सुनाऊंगा, और इसमें इस दौरान मैं अपनी कुछ सिंधी कविताओं के हिंदी अनुवाद भी आपको सुना दूंगा, ताकि आपको वहाँ की भी थोड़ी सी सिंधी साहित्य में भी जो लिखा पढ़ा जा रहा है उसके बारे में। जी हाँ अडिग जी, पिता बोले थे, चलिए वो भी सुनाऊंगा आपको। अब मैंने एक जिज्ञासा कहा है, पहले मैं वो सुना दूं। जिज्ञासा, बच्चा नहीं डरता किसी से, बच्चा नहीं डरता किसी से भी, उनसे भी नहीं जिनसे डरना चाहिए। बच्चा नहीं डरता किसी से भी, उनसे भी नहीं जिनसे डरना चाहिए। मसलन वह नहीं डरता सांप से, या कटखने कुत्ते से, या भिनभिनाती मधुमक्खी से, और माँ के उठे हाथ को तो हंसता लपक लेता है दुलार समझकर। बच्चा नहीं डरता किसी से भी, उनसे भी नहीं जिनसे डरना चाहिए। मसलन वह नहीं डरता सांप से, या कटखने कुत्ते से, या भिनभिनाती मधुमक्खी से, और माँ के उठे हाथ को तो हंसता लपक लेता है दुलार समझकर। मुझे डर है किसी दिन वह हथेली पर धर लेगा जलता अंगारा, मुझे डर है किसी दिन वह हथेली पर धर लेगा जलता अंगारा। जम्हाई लेती बिल्ली के गिनने लगेगा दांत, बिच्छू के डंक पर रख देगा पांव, या फिर पूछ लेने लगेगा ऐसे सवाल जिनके नहीं होंगे कोई जवाब, जिनके नहीं होंगे कोई जवाब। देखिए बच्चा ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि उनके कई बार कितना भी विद्वान माँ बाप हो, अभिभावक हो, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे के पास हमेशा हमें जाना चाहिए, वहाँ से हमें नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। और भाई अडिग ने कहा था कि पिता बोले थे कविता सुनाऊं, ये कविता मेरे जो संग्रह जो 92 में प्रकाशित हुआ था, और कविता उससे पहले 80-82 के आसपास कहीं लिखी थी मैंने, वो कविता आपको सुना रहा हूँ, और इसे
बहुत ही से प्यार मिला है आप सबका। पिता बोले थे सदा सच बोलना, मैं झूठ कभी नहीं बोला। पिता बोले थे हमेशा ईमानदार रहना, मैंने बेईमानी नहीं की कोई। पिता बोले थे सदा न्याय के संग साथ रहना, पिता बोले थे न्याय के संग साथ रहना, मैंने अन्याय का दामन कभी नहीं थामा। पिता बोले थे सदा सुखी संपन्न रहना, पिता बोले थे सदा सुखी संपन्न रहना, पिता की हर बात मानना क्या संभव भी है, पिता की हर बात मानना क्या संभव भी है। जी पवन जी नमस्कार। अब मैं आपको अपनी कुछ और कविताएं सुनाता हूं। अभी देखिए, आप पिछले दिनों जब ये लॉकआउट हुआ कोरोना के कारण, और हम जानते हैं कि जो विस्थापन का एक दौर चला, परेशान पूरी जनता हुई, पूरी दुनिया परेशान है, वो सब ठीक है। बीमारी के कारण, कोरोना के कारण जो दुख दर्द है, जो तकलीफें हैं, जो मृत्यु है, बीमार, ये सब तमाम सबके लिए है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे वंचित वर्ग था, शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए अपने गांवों से अपने घर छोड़कर मीलों मील दूर आया था, उसके लिए किस कदर परेशानियां हुई थी और किस तरह से उन्हें लौटना भी पड़ा। तो उस पर एक उन दिनों कुछ कविताएं भी लिखी थी मैंने, तो उसमें से सिर्फ एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूं। और हम जानते हैं कि हमने अपने डॉक्टरों को, पुलिस को, प्रशासन, हमने उनको योद्धा कहा था, जिन्होंने आगे आगे फ्रंट लाइन पर रहकर हमारी मदद की थी, हमें इस आपदा से निपटने में कुछ मदद की, सहायता दी। कविता जी नमस्कार। छानवी सहगल जी नमस्कार। छवि सहगल जी नमस्कार। कविता का शीर्षक है बेशक उन्हें योद्धा न कहें, बेशक उन्हें योद्धा न कहें, उनके पाँव में छाले हैं और हाथ में फफोले, उनके पाँव में छाले हैं और हाथों में फफोले, अंतड़ियों में है भूख प्यास, सूखे पपड़ाए होंठों पर, पीठ दुख रही कड़ी मार से। लॉकआउट में जब बाहर निकल आए थे तो पुलिस ने उनको, आप जानते ही हैं, काफी उन्हें मारपीट भी हुई। पीठ दुख रही कड़ी मार से, बोझ से झुके जाते कंधे, सीने में उमड़ता दुख और गुस्सा भी, बदन तर बदर पसीने से, आंखें लाल तिलमिलाती धूप से, वे खाली हैं मगर वे खाली हैं, नहीं है उनमें आंसू, नहीं है उनमें आंसू, वे बेसहारे हैं, वे बेसहारे हैं मगर न हारे हैं, कि वे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पांव पांव पैदल मीलों मील दूर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखिए उन पर कितनी आपदाएं आई, कितनी मुसीबतें रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार संकट झेलते रहे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उन्होंने सारी तकलीफें सही, लेकिन एक तड़प थी कि किसी तरह से अपने गांव, अपनी धरती, अपने देश में पहुंच जाए। और यही ताकत हमारे श्रमिक वर्ग में, जो वंचित वर्ग में, उसमें कहीं जाता है। हाँ जी सुमंत भाई साहब नमस्कार। कविता जोशी जी नमस्कार। साधना जी नमस्कार। अब आइए कुछ उन कविताओं पर जो आज के दौर की कविताएं हैं। हम सब जानते हैं कैसा दौर है, और इस दौर को हम इस तरीके से भी देखते हैं कि पिछले कुछ 4-5 सालों के दौरान एक बड़ी, इन दिनों हमने एक तकलीफ देखी बहुत बड़ी, कि कुछ ऐसे बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न लोग जिन्होंने समाज में चेतना फैलाने का काम किया, उन्हें कुछ ताकतों ने इस पृथ्वी पर रहने से महरूम कर दिया, उन पर वार किए गए, उनकी हत्या तक कर दी गई। हम जानते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर जी, गोविंद पानसारे जी, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, शांतनु भौमिक, एक लंबी फहरिस्त है, ये तो बड़े एक नाम है कुछ जिनको हम सब जानते हैं, इन्हें अपनी जान की कुर्बानियां देनी पड़ी। और उनके पीछे कौन ताकते थी, प्रतिक्रियावादी ताकते थी, जो नहीं चाहती थी जनता में चेतना फैले।
और ये कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं कि जानो आग को, सुकरात को, सर थॉमस मोर को, गांधी को और हमारे शहीद भगत सिंह को भी इन सब वारदातों से सामना इनका करना पड़ा, अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। तो फिर भी कहा जाता है कि कोई पाबंदियां नहीं है आप पर, तो उसी पाबंदी को लेकर एक कविता है, पाबंदी। उसने कहा चाहो तो सच बोल सकते हो, उसने कहा चाहो तो सच बोल सकते हो, हमें सुनाई दिया झूठ बोलने पर कोई रोक नहीं। उसने कहा बेईमानों को छोड़ा न जाएगा, हमने महसूस किया ईमानदारों में डर व्याप्त हो गया था, हमने महसूस किया ईमानदारों में भय व्याप्त हो गया था। उसने कहा किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, हमने देखा चारों तरफ लाठियां और नंगी तलवारें लिए दबंग घूम रहे थे। हमसे चीख निकल गई ये सब क्या। उसने कहा जो कुछ है आपके हित में है, हमने हाथ जोड़कर कहा पर हमें ये स्वीकार नहीं। वे बोले आपसे पूछा किसने, वे बोले आपसे पूछा किसने। मोहन सोनी जी नमस्कार, हावीना जी आप भी सुन रही है। देखिए डर का जो वातावरण फैलता है तो बेशक हम कहें कि हम डरे हुए नहीं है, मगर डर तो डर है, सच का डर। उसने कहा नहीं मैं डरा हुआ नहीं हूं, और उसने गर्व से सिर ऊंचा कर अपने सबसे बहादुर और मजबूत समझे जाने वाले साथी की ओर मुस्कुरा कर देखा। उसने कहा नहीं मैं डरा हुआ नहीं हूं, और उसने गर्व से सिर ऊंचा कर अपने सबसे बहादुर और मजबूत समझे जाने वाले साथी की ओर मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखों में डर दिखा, पर उसकी आंखों में डर दिखा और वह डर गया। तो वह सबसे मजबूत और बहादुर तो नहीं ही रहा होगा, तो वह सबसे मजबूत और बहादुर तो नहीं ही रहा होगा। किसी ने कहा दोस्तों यह एक चुस्त जुमला हो सकता है, दोस्तों यह एक चुस्त जुमला हो सकता है, पर सच बताइए क्या ये सच नहीं है। जी वीना चौहान जी नमस्कार। एक और छोटी सी कविता, व्यवस्था। तुम्हें मालूम है जंगल में क्या होता है, जो शक्तिशाली होता है वह कमजोर को खाता है। तो कभी कभी वह सोचता है कि कब तक वे यह जंगली दुनिया बसाए रखेंगे, अपने से कमजोर की तलाश में अपने से शक्तिशाली के शिकार बनते रहेंगे। अब कुछ अलग अलग कविताएं। सीढ़ियां, देखिए जो सुविधा संपन्न वर्ग हैं उनको लेकर ये कविता है, और ये व्यंजना में कविता है। यहां पर जो लिफ्ट आती है उसका अर्थ आप समझ जाएंगे। जिनको लिफ्ट की सुविधा मुहैया हो जाती है अक्सर वो सीढ़ियों को भूल जाते हैं, बेशक उसके ही सहारे से पहुंचे हो ऊपर चोटी पर। जिनको लिफ्ट की सुविधा मिल जाती है बेशक वो सीढ़ियों को भूल जाते हैं, बेशक उसके ही सहारे वो पहुंचे हो ऊपर चोटी पर। उनके लिए सीढ़ी का मतलब तकलीफ और सुख की कमी, समय भी ज्यादा पैर भी थक जाते हैं। लिफ्ट में चढ़ने के बाद वो देखते भी नहीं सीढ़ियों की तरफ। लिफ्ट के बिना वो नहीं रह सकते, जैसे लिफ्ट से हो गया उन्हें प्यार। पर वो भूल जाते हैं लिफ्ट जब खराब हो जाती है जाना ही पड़ता है उनको सीढ़ियों के पास वापस। जी हुंदराज जी बलवानी जी अहमदाबाद से आपका स्वागत है। आनंद विद्यार्थी जी और डॉक्टर सत्यनारायण जी आप सबका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं। एक देखिए पिछले कुछ दिनों पहले एक
WHO की एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें आपको पता ही है कि वो एक निकालते हैं कि कौन से देश में सबसे ज्यादा उदासी है, कौन सा गमगीन देश है, इस तरीके की चीजें आती रहती है। तो उसको लेकर एक कविता है, उदास नहीं भारत। हमने दावा किया है कि हम उदास नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता बताते हैं भारत दुनिया का सबसे उदास देश है। मैंने अपने प्रधानमंत्री को देखा, अमेरिका से लौटे वे भरपूर संतुष्ट दिखे। मैंने अंबानी का प्रोफाइल टटोला, खुशी से मैं ही झूमने लगा। अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी योचित उल्लास से सराबोर नजर आए। श्री श्री के पास गया तो जाना जीने की कला वे खुद भी जान चुके थे। और तो और, विजय माल्या से लेकर मेहुल चौकसी तक सभी तो मजे में हैं। मुझे लगता है सर्वे के लिए तो इतने सैंपल ही काफी है। चुनावों में भी तो ऐसा ही होता है, साफ दिखता है। बहुत बहुत खुश हैं ये, जान ले पूरी दुनिया कि भारत के लोग सुखी हैं, बल्कि सबसे सुखी। उदासी इनके चेहरे पर तो क्या फटकती नहीं इनके आसपास। ये इस देश के ही लोग हैं ना, ये तमाम लोग जो सुखी मैंने गिनाए वे इसी देश के ही लोग हैं। तो फिर झूठ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का निष्कर्ष कि भारत दुनिया का सबसे उदास देश है, कि भारत दुनिया का सबसे उदास देश है। एक और, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा है या कुछ मनस्थिति बन जाती है, ऐसी एक कविता और, हिदायत। कहो कहो कुछ कहो, लोकतंत्र है, आजादी है, कहो कहो कुछ कहो, पर अप्रिय न कहो, कड़वा न कहो, ऐसा न कहो जो हमारी किसी भी ज्ञात अज्ञात आस्था पर चोट करे। होंगे आपके पास उसके पक्ष में तर्क, पर रखिए अपने सच अपने पास। कह लीजिए बेशक वैज्ञानिक दृष्टि उसे, पर समझ लीजिए कि उसका मतलब ऐसा ना निकले जो हमें पसंद न हो। क्या कहा, मुश्किल है ये पता लगाना, और आप चाहते भी नहीं, तो फिर जान लीजिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है आपका बच पाना। आप पढ़े लिखे भले आदमी हैं, करते हैं थिएटर, लिखते हैं कविता, बेहतर होगा न पढ़े ऐसे किसी झमेले में। छोड़िए ये सब सारा कुछ, छोड़िए ये सब सारा कुछ, आप तो बस देखते रहें, सुनते रहें, आप चुप रहें, आप चुप रहें। एक कविता है, ये मेरे संग्रह से ही है, हाथ फैलाती बच्ची। सड़क पर हाथ फैलाती उस बच्ची की आंख में मत देखना। सड़क पर हाथ फैलाती उस बच्ची की आंखों में मत देखना, ये आंखें आपसे कुछ सवाल नहीं पूछती। ये आंखें आपसे कुछ सवाल नहीं पूछती, न जता रही हैं क्रोध, न हिकारत भी नहीं है उन आंखों में, दया करुणा बिल्कुल भी नहीं। उन आंखों में बसी है एक भाव शून्यता, उन आंखों में बसी है एक भाव शून्यता, मानो सदियों का सन्नाटा पसर गया हो उनमें। मत देखना मत देखना, उन आंखों में मत देखना, पूरी सभ्यता की पराजय साफ नजर आएगी, पूरी सभ्यता की पराजय साफ नजर आएगी। सड़क पर हाथ फैलाती उस बच्ची की आंखों में, सड़क पर हाथ फैलाती उस बच्ची की आंखों में। एक और कविता है, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं। एक छोटी सी कविता है, फेहरिस्त। मेरे दुश्मनों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लंबी इतनी कि उड़ जाए नींद रातों की, जबकि चाहता हूं मैं सोना लंबी तान कर कबीर की तरह, जबकि चाहता हूं मैं सोना लंबी तान कर कबीर की तरह, जिसके दुश्मनों की फेहरिस्त और भी लंबी थी, जिसके दुश्मनों की फेहरिस्त और भी लंबी थी।
ऐसा समय, यह कैसा समय है, यह कैसा समय है, बड़े लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह, यह कैसा समय है कि बड़े लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह, बच्चे गुमसुम उदास चिंतातुर हो रहे बड़ों की तरह, यह कैसा समय है। एक कविता कामयाबी को लेकर, आप देखते हैं जो कामयाब आदमी है वो किन किन तरीकों से कामयाब बनता है, ये गौर करने लायक बात है। एक कामयाब आदमी के हिस्से में पृथ्वी का कितना हिस्सा आता है, आखिर कितना क्या चाहता है पृथ्वी से एक कामयाब आदमी, क्या और कहां सीमा है उसकी कामयाबी की। पूछा है कभी किसी ने कि आखिर कितना चाहती है पृथ्वी एक कामयाब आदमी को, एक कामयाब आदमी बुरे आदमी का पर्याय क्यों समझा जाने लगा है, कामयाब आदमी को भला बनने से रोकता कौन है, कामयाब आदमी को भला बनने से रोकता कौन है, क्या कामयाबी शॉर्टकट रास्तों से ही मिलने लगी है शर्तियां, क्या कामयाबी शॉर्टकट रास्तों से ही मिलने लगी है शर्तियां। डरो मत, मैं तुमसे तुम्हारी कामयाबी का राज नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे तुम्हारी कामयाबी का राज नहीं पूछूंगा। और आप देखिए जो इस समय स्थितियां हैं, सब लोग आगे बढ़ने आगे दौड़ लगा रहे हैं, ये भी मेरी कुछ पुरानी कविता है, लेकिन स्थितियां आप देख रहे हैं जिस तरीके की गलाकार स्पर्धा चल रही है, दौड़ वे शामिल हैं उस अंधी और क्रूर दौड़ में, कोई दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा जाता है तो पटक देते हैं उसे, फिर कुचलते हुए वे निकल जाते हैं आगे, पटक देते हैं उसे फिर कुचल जाते हैं आगे, कोई थक कर रुकता दो पल देकर धक्का गिरा देते नीचे और लांग कर उसे वे निकल जाते आगे। दौड़ का कोई कायदा कानून नहीं, सब कुछ जायज संभव और अपेक्षित भी, सभ्य आचरण में जो वर्जित माना गया वो तो अतिरिक्त गुण था, सभ्य आचरण में जो वर्जित माना गया वह तो अतिरिक्त गुण था। इस सीमाहीन दौड़ से वे अलग हुए तब धक्कों से गिर नीचे हर गुजरते के पांव तले रोंदे गए जब, इस सीमाहीन दौड़ से वे अलग हुए तब धक्कों से गिर नीचे हर गुजरते के पांव तले रोंदे गए जब। अब इतनी सारी तनाव पैदा करने वाली कविताओं के बाद एक छोटी सी प्रेम कविता, देखिए किस तरह का प्रेम और किस तरह की कविता। इस तरह तो मत होना उदास, इस तरह तो मत होना उदास कि पस्त हो जाऊं और सोच ही न सकूं कुछ भी अच्छा और आशा से भरा। इस तरह तो मत होना उदास कि पस्त हो जाऊं और सोच ही न सकूं कुछ भी अच्छा और आशा से भरा। इस तरह तो मत होना उदास कि हंसी न सके इस बार, कि हंसी न सके इस बार जिस बात पर दोहरे हुए थे हंसी के मारे पिछली बार, कि हंसी न सके इस बार जिस बात पर दोहरे हुए थे हंसी के मारे पिछली बार। मत होना मत होना मत होना उदास कि उदासी बुरी होती है, मत होना मत होना मत होना उदास कि उदासी बुरी होती है। उस चेहरे पर तो बहुत जिसने दुख से लड़ी हो लड़ाई हंसते हंसते, जिसने दुख से लड़ी हो लड़ाई हंसते हंसते। हम देखते हैं कि दोषी किसे मानते हैं, जो हमारे सामने अपराधकर्ता दिखता है, लेकिन उसकी जड़ में क्या होता है, असली अपराधी कौन है, ये शायद हम नहीं जानते। तो एक छोटी सी ये कविता है, उसके उसकी जो अभिधा और उसके पीछे सी अभिधा को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा व्यंजना को। पेड़ कट रहा था और मेरे पास शब्द नहीं थे लकड़हारे के विरुद्ध, पेड़ कट रहा था और मेरे पास शब्द नहीं थे लकड़हारे के विरुद्ध। काट रहा था वो तो ठेकेदार के लिए, काट रहा था वह तो ठेकेदार के लिए। मैंने कनखियों से गौर से देखा उसे,
मैंने कनखियों से गौर से देखा उसे, लगा वह खुद भी कट रहा था साथ साथ, लगा वह खुद भी कट रहा था साथ साथ, और उसका कटना पेड़ के कटकर गिर जाने के बाद भी जारी था, और उसका कटना पेड़ के कटकर गिर जाने के बाद भी जारी था। एक और छोटी कविता, मैं आज ज्यादातर छोटी छोटी कविताएं लाया हूं, सुनने में आपको भी अच्छी लगेगी और मुझे भी। सही सलाह, थोड़ी सी आप इसे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इस कविता का आनंद अलग है। वह एक सही बात कह रहा था गलत आदमी से, वह एक सही बात कह रहा था गलत आदमी से, उसने ये समझा कि चूंकि यह बात उस गलत आदमी के विरुद्ध नहीं जाती, सो गलत आदमी को सही लगेगी। वह एक सही बात कह रहा था गलत आदमी से, उसने ये समझा कि चूंकि यह बात उस गलत आदमी के विरुद्ध नहीं जाती, सो गलत आदमी को सही लगेगी। पर वह गलत था, हालांकि वह आदमी सही था। गलत आदमी ने अपना दुश्मन पहचान लिया था, गलत आदमी ने अपना दुश्मन पहचान लिया था। उसने बाहें चढ़ाते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप चुप रहें, बेहतर होगा कि आप चुप रहें। सही आदमी को पहली बार उस गलत आदमी की बात सही लगी, सही आदमी को पहली बार उस गलत आदमी की बात सही लगी। यह बात मान ली जाए, क्योंकि फिर वह चुप हो गया, क्योंकि फिर वह चुप हो गया। एक ये कविता है, देखिए, विस्थापन का दर्द होता है, अपना घर छोड़ने का जो दर्द होता है, अपनी जमीन छोड़ने का जो दर्द होता है, इसे हम महसूस करते हैं, मगर शिद्दत से जो आपको सीधे आपके कलेजे को चीर कर जो तकलीफ होती है, शायद ये वो ही अनुभव कर सकता है जिसे अपनी जमीन से अलग होना पड़ा है। और ये आपने देखा है, जब भी भारत का विभाजन हुआ था, या फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं, तो विस्थापन हमेशा बुरा लगता है। तो उस पर ये देखिए कविता है, लेकिन इसे मैंने दूसरे अर्थ में लिया है, एक व्यक्ति के साथ जो तकलीफ है उसको ये अर्थ में लिया है। उसके लिए जमीन सिर्फ एक नाप थी, उसके लिए जमीन सिर्फ एक नाप थी, नाप जितनी बड़ी होगी कीमत उतनी ज्यादा होगी, नाप जितनी बड़ी होगी कीमत उतनी ज्यादा होगी। उसके लिए इस बात का कोई अर्थ न था कि उस जमीन से किसका कैसा रिश्ता था, उसके लिए इस बात का कोई अर्थ न था कि उस जमीन से किसका कैसा रिश्ता था। पिता उस जमीन से करते थे प्राणों से भी ज्यादा प्यार, सिंध छोड़कर जो आए, पिता उस जमीन से करते थे प्राणों से भी ज्यादा प्यार। अक्सर बैठ जाते थे दादा के बोए नीम के पेड़ के नीचे, और फेरते थे हाथ जमीन पर धीरे धीरे, भर लेते थे मिट्टी हाथों में और बंद कर लेते थे आंखें, और फेरते थे हाथ जमीन पर धीरे धीरे, भर लेते थे मिट्टी हाथों में और बंद कर लेते थे आंखें। ऐसा लगता था मानो देख रहे हैं कोई सपना, पहुंच गए हैं अपने गांव भरिया में, देख रहे हैं कोई सपना, पहुंच गए हैं अपने गांव भरिया में। किसी की भी हिम्मत न होती थी कि उन्हें उस दुनिया से बाहर निकाला है, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें उस दुनिया से बाहर निकाल आए इस दुनिया में। ऐसी पवित्र घड़ियां जब भी आती थी, माँ कहती थी वे पूजा ध्यान में है, माँ कहती थी वे पूजा ध्यान में है। वह समझ न सका उस बात का अर्थ, वह समझ न सका उस बात का अर्थ, आज समझ सकता है जब बिक रहा है वह मकान जिसके आंगन में गुजरा था उसका बचपन, आज समझ सकता है जब बिक रहा है वह मकान जिसके आंगन में गुजरा था उसका बचपन। एक माँ की मृत्यु पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, स्मृति माँ की। जिस देह से तुम्हारा नालबद्ध रिश्ता था, जिसकी गंध भर से खिलखिलाना शुरू हुआ तुम्हारा, जिसका दूर होना
रुआंसा हो जाने के लिए पर्याप्त था, जिससे लिपट सबसे सुरक्षित हो जाते थे, जिसकी भूख तुम्हारी भूख मिट जाने के बाद ही जगती थी। माँ की भूख तो बेटे के बच्चे के की जब भूख मिट जाती है उसके बाद ही तो उसकी माँ को भूख लगती है। जिसकी भूख तुम्हारी भूख मिट जाने के बाद ही जगती थी, जिसके चेहरे की उदासी तुम्हारी हंसी से हो जाती थी छूमंतर, जिसने तुम्हें बस दिया लिया तुमसे कुछ भी नहीं, जिसने कभी एहसास होने ही नहीं दिया तुम्हें तुम्हारी बढ़ती उम्र का, जिसने कभी एहसास होने ही न दिया तुम्हें तुम्हारी बढ़ती उम्र का, झुकते थे पैर झुकने को, झुकते थे पैर छूने को तुम्हारे, तो हाथ तुम्हारे चूम लेती थी, हाँ अपने उन्हीं हाथों से सौंप दिया अग्नि को, हाँ अपने उन्हीं हाथों से सौंप दिया अग्नि को, जो देह नहीं माँ थी। एक और छोटी कविता, चौकीदार। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती गूंजती है आवाज, जागते रहो। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती गूंजती है आवाज, जागते रहो। यह आवाज सिर्फ वे सुनते हैं जो जाग रहे होते हैं, सोए हुए लोग सोए ही रहते हैं। ये आवाज सिर्फ वे सुनते हैं जो जाग रहे होते हैं, सोए हुए लोग सोए ही रहते हैं। सोचता हूँ सोए हुओं को जगाने को जो कहेगा वो आदमी कब आएगा, सोए हुओं को जगाने को जो कहेगा वो आदमी कब आएगा। दोष। नक्शा बहुत साफ था, मेरे मन में था, मैं चाहता था वह निर्दोष साबित हो, क्योंकि वह निर्दोष था। नक्शा बहुत साफ था, मेरे मन में था, मैं चाहता था वह निर्दोष साबित हो, क्योंकि वह निर्दोष था, और इसलिए साबित करना बहुत मुश्किल था। बेगुनाह आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए गवाह इकट्ठे करना आसान नहीं, जबकि एक कातिल भी गवाहों के सहारे बच निकलता है। अब कुछ और कविताएं देखिए। मैंने जो शुरुआत में कविताएं कुछ सुनाई थी डर को लेकर, तो कुछ और कविताएं छोटी छोटी। डर एक। क्यों है डर? कहाँ है डर? किससे है डर? किसको है डर? क्यों है डर? कहाँ है डर? किससे है डर? किसको है डर? जिसको भी है डर हाथ उठाए वो, चीख कर बोला कोई। जिसको भी है डर हाथ उठाए वो, चीख कर बोला कोई। किसी ने भी हाथ न उठाया, डर का डर इतना था। डर दो। एक नौजवान उठा और बोला, अगर आप सभी मिलकर खड़े हो जाएं, तो मजाल की आपको डर लगे। फिर हंसकर कहा, तब डर को ही आपसे लगेगा डर। तीसरा डर। तीन। किसी से भी किसी को भी क्यों डरना चाहिए। हम आजाद हैं, देश में लोकतंत्र हैं, कोई बोला था। किसी को भी किसी से क्यों डरना चाहिए, हम आजाद हैं, देश में लोकतंत्र हैं, कोई बोला था। इतने में एक गोली उसके सीने पर आ लगी, वह खून से लथपथ जमीन पर आ गिरा। पर उसके चेहरे पर जरा भी निशान था डर का, बापू जब गए, जब उनकी हत्या हुई, तब उनके मुंह से निकला था, हे राम, कोई डर का निशान उनके चेहरे पर न था। एक ये थोड़ी सी लंबी कविता देखिए। हम आमतौर पर जो व्यवहारिक दुनिया है उसमें हम किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, सच को सच कहते हुए हम डरते हैं शायद, या जो भी कारण रहा होगा, हम आजाद शत्रु बनना चाहते हैं, सभी से मित्रता रखना चाहते हैं, ये रखनी भी चाहिए, मगर गलत को अगर हम गलत नहीं कहेंगे तो गलत का साहस पड़ता जाएगा। प्रतिस्थापना कविता का शीर्षक है, थोड़ी सी लंबी, अभी तक जो मैंने कविताएं आपको सुनाई।
अच्छे को अच्छा और बुरे को भी अच्छा बताना कोई अच्छी बात नहीं। अच्छे को अच्छा और बुरे को भी अच्छा बताना कोई अच्छी बात नहीं, यह अच्छे का अपमान होगा। आप भ्रमवश या सचेत भाव से बेशक खुश होते रहें कि यह तो सकारात्मक सोच है, मेरा स्वभाव है कि बुराई मुझे दिखती ही नहीं, ऊपर से दुहाई सुभाषित की भी कि आप अच्छे तो जग अच्छा, पर सच्चाई यह इसमें छुपी हुई होती है चालाकी आपकी, अगरचे सख्त और सही शब्द धूर्तता काम में न भी लिया जाए। इससे होता यह है कि बुरा आदमी भी करने लगता है आपकी तारीफ, और मानने लगता है आपको अपना शुभचिंतक, और अनायास ही बन जाता है वह आपका भी शुभचिंतक। दरअसल है भी ऐसा ही, आप स्वीकारते नहीं चाहे, बेशक गदगद होते रहे कि आप बन गए अजात शत्रु, यानी बढ़ता जाता है आपका दायरा और प्रभाव भी। अब यह भी तो देखिए कि जो आपको अच्छा मानते हैं और बुरे आदमी की बुराई से परिचित नहीं, वे भी आपकी देखा देखी बुरे आदमी को अच्छा बताते हैं, यानी जो वास्तविक रूप से अच्छा है उसका स्पेस घटता जाता है और बुरा आदमी अतिक्रमण करता हुआ उसे बेदखल कर जाता है, और बुरा आदमी अतिक्रमण करता हुआ अच्छे आदमी को बेदखल कर जाता है। अच्छा आदमी असहाय सा होता, अकेला पड़ जाता है, वह अगर चेताना भी चाहे तो अनसुना कर दिया जाता है, और उधर अश्वमेधी बुरा आदमी तमाम अच्छाइयों को रौंदता, दिग्विजय को दौड़ता ही चला जाता है, और एक दिन वह हथिया लेता है वह जगह जहां बैठे व्यक्ति को बुरे आदमी की संज्ञा देना कुंठा कहलाता है, और अपराध भी द्रोह जैसा और घोषित किया जा सकता है। अच्छे आदमी को नकारात्मक सोच वाला बुरा आदमी, अच्छे आदमी को घोषित किया जा सकता है नकारात्मक सोच वाला बुरा आदमी। और आखिर एक छोटी सी कविता, इस छोटी सी कविता के साथ ही मैं अंत करता हूँ, और ये कविता शायद हम सबके लिए है। अधूरा, पढ़ी कितनी तो किताबें, पढ़नी अभी बहुत बहुत, पाया जरा सा ज्ञान, पाना अभी अपार, जाना थोड़ा सा सच, जानना अभी अनंत, पाया जरा सा ज्ञान, पाना अभी अपार, जाना थोड़ा सा सच, जानना अभी अनंत, अधूरा ही रहूंगा अंत तक। आपको उम्मीद है कविता अच्छी लगी होगी, और मैं आप सबका आभारी तो हूँ ही, साथ ही देवेंद्र जी का और उनकी टीम का, जन सरोकार मंच की पूरी टीम का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सबसे जुड़ सका, आपको अपनी बात बता सका अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।